केपलर लॉ। अब उसे प्रैक्टिकली देखने के लिए एलोन भाई से रॉकेट लेना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, उतना पैसा हमारे पास है नहीं। गरीबी, सब्सक्राइब करो। अब केपलर लॉ का सिनेरियो यहाँ पर लाएंगे और आपको बताएंगे। ये पेपलर लॉ का है बे? अरे पेपलर नहीं, केपलर। आइए बैठिए, बताते हैं। समझो ये है धरती माँ, ये है उसका ऑर्बिट और वो है सूरज। बेटो हमने तो सुना था कि सूरज बीच में होता है। नहीं नहीं, देखिए शर्मा जी, ये जो आकार है वो गोल नहीं है, इक्लिप्स है, और इक्लिप्स का कभी मध्य नहीं होता, फोकाई होता है। देखिए इस प्रकार से धरती माँ यहाँ से वहाँ ऑर्बिट में जा रही है। जिस प्रकार से धरती माँ इक्लिप्स में घूम रही है, उसी प्रकार से दूसरे ग्रह भी घूमते इक्लिप्स में। यही तो है केपलर का पहला लॉ। अच्छा, और उस बुबुआ ने एक ही लॉ दिया था? नहीं नहीं, और दो है, बताएंगे आपको।